सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस ये वीडियो हनुमान जी ड्राइंग की सेकेंड पार्ट है, और इससे पहले इस ड्राइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा हो जरूर से देख लेना। वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और इस ड्राइंग को करने के लिए मैं यहाँ पर डॉम्स की ऑयल पेस्टल यूज कर रहा हूँ, और पेज में यहाँ पर ब्लूस्टो की मीडियम सर्फेस वाला यूज कर रहा हूँ। तो चलो अभी ड्राइंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को कलरिंग कर रहा हूँ, और बैकग्राउंड को कलर करने के लिए मैं यहाँ पर प्रूसियन ब्लू कलर को यूज कर रहा हूँ। और रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर भी डार्क एरियाज है उसमें ज्यादा पेसर अप्लाई करके सेटिंग कर रहा हूं, और बाकी एरियाज में हल्के हाथ से सेटिंग कर रहा हूं। और सेटिंग गाइस आप लोगों को स्क्रेबल टेक्निक से या फिर राउंड राउंड करके इस तरीके से सेटिंग करना है। तो बस बाकी मैं किस तरीके से कलरिंग कर रहा हूं आप लोग ध्यान से देखो। ओके, अभी जो भी एरियाज में हल्के हाथ से सेटिंग किया था उस टाइप के एरियाज में अभी ग्रीन कलर से स्क्रेबल टेक्निक से या फिर राउंड राउंड करके सेटिंग करना है। और जो भी एरियाज में ब्लू कलर को ज़्यादा पेसर अप्लाई करके सेटिंग किया था, यानी जो भी डार्क पार्ट्स है उस टाइप के एरियाज में अभी इस कलर से हल्के हाथ से सेटिंग करना है। ओके, अभी इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन बट का यूज़ कर रहा हूँ, और ब्लेंड भी अभी उसी तरीके से सेम उसी तरीके से ही राउंड राउंड करके ब्लेंडिंग करना है। ओके गाइस ब्लेंडिंग करने के बाद जो भी लाइट एरिया है उसमें अभी व्हाइट कलर से सेटिंग करना है। और रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर भी ज़्यादा लाइट एरिया है वहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा पेसर अप्लाई करके आप लोगों को सेटिंग करना है, और कम लाइट एरियाज में आप लोगों को हल्के हाथ से करना है। और इसको भी एकदम लो प्रेशर में फिंगर की मदद से ब्लेंड कर देना है। और अभी जिस तरीके से व्हाइट कलर से सेटिंग किया था सेम अभी उसी तरीके से ही व्हाइट कलर के ऊपर येलो कलर से लो प्रेशर में सेटिंग करना है, एंड देन इसको भी फिंगर की मदद से लो प्रेशर में ब्लेंडिंग कर देना है। और लास्ट में अभी इस तरीके से स्क्रेबल टेक्निक से जो भी एकदम से डार्क एरियाज है, यानी रिफरेंस फोटो में जो भी डार्क एरियाज आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो उस टाइप के एरियाज में एकदम से लो प्रेशर में ब्लैक कलर से सेटिंग करना है, एंड देन इसको भी फिंगर की मदद से ब्लेंडिंग कर देना है। और अभी इसके ऊपर स्टार्स को देने के लिए मैं यहाँ पर व्हाइट एट्रेलिक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो व्हाइट जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हो, पोस्टर कलर का भी यूज़ कर सकते हो, और सभी एक ही साइज में मत करना गाइस, कोई छोटा कोई बड़ा कोई एकदम से ब्राइट ऐसा करना है आप लोगों को। ओके चलो, बैकग्राउंड कलरिंग कंप्लीट हो गई है, और अभी फेस के ऊपर कलरिंग करना है। तो फेस के ऊपर कलर करने के लिए मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ, और रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके डार्क एरियाज में ज़्यादा पेसर अप्लाई करके इस कलर से सेटिंग कर रहा हूँ, और बाकी एरियाज में हल्के हाथ से सेटिंग कर रहा हूँ, और एकदम से जो भी व्हाइट पार्ट से उस टाइप के एरियाज को छोड़ के ही सेटिंग कर रहा हूं। और बाकी आप लोग वीडियो में ध्यान से देखो मैं किस तरीके से अभी सेटिंग कर रहा हूं।
ओके नेक्स्ट फ्लेस्टिन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और इस कलर को यूज़ करके डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जो भी एरियाज में एकदम से व्हाइट है उस टाइप के एरियाज में एकदम से हल्के हाथ से शेडिंग कर रहा हूँ, नहीं तो छोड़ के ही शेडिंग कर रहा हूँ, और बाकी फुल एरियाज में ब्राउन कलर के ऊपर भी मीडियम प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग कर रहा हूँ। ओके फ्लेस्टिन कलर से भी शेडिंग हो गई है, और अभी नेक्स्ट जो भी एरियाज में एकदम से व्हाइट है या फिर हल्के हाथ से शेडिंग किया था उस टाइप के एरियाज में अभी फुल पेसर के साथ व्हाइट कलर से शेडिंग करना है, और एक्स्ट्रा जो भी लाइट वैल्यूज आप लोगों को चाहिए फेस के ऊपर उस टाइप के एरियाज में भी आप लोग व्हाइट कलर से शेडिंग कर सकते हो। तो बाकी आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, व्हाइट कलर से मैं किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ओके नेक्स्ट अभी कलर करेक्शन में जो भी एरियाज में ऑरेंज से इफेक्ट देख रहे हैं उस टाइप के एरियाज में ऑरेंज कलर से हल्के हाथ से शेडिंग करना है, और जो भी एरियाज में पिंक से इफेक्ट दिख रहे हैं उस टाइप के एरियाज में पिंक कलर से हल्के हाथ से शेडिंग करना है। और अभी इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर पेपर ब्लेंडर का यूज़ कर रहा हूँ, और आप लोग चाहो तो यहाँ पर कॉटन बट का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी फेस के ऊपर आप लोग देख सकते हो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी रिंकल्स वगैरह है इस फेस के ऊपर, इसलिए मैं पेपर ब्लेंडर का यूज़ कर पा रहा हूँ। बाकी आप लोगों को पता होगा कि हर एक फेस के ऊपर मैं कॉटन बट का यूज़ करता हूँ, और अभी आप लोग ध्यान से देखो मैं किस तरीके से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। ओके ब्लेंडिंग भी हो गई है, और अभी इसके ऊपर सेकंड लेयर में जहाँ पर भी मुझे लाइट वैल्यूज चाहिए उस टाइप के एरियाज में अभी वहाँ पर व्हाइट कलर से शेडिंग कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली जहाँ पर भी मुझे ज़्यादा लाइट वैल्यूज चाहिए तो वहाँ पर मैं ज़्यादा पेसर अप्लाई करके शेडिंग कर रहा हूँ, और कम लाइट वैल्यूज चाहिए तो वहाँ पर मैं हल्के हाथ से शेडिंग कर रहा हूँ। और नेक्स्ट अभी जो भी एरियाज में डार्क वैल्यूज चाहिए तो उस टाइप के एरियाज में अभी मैं फिर से एक बार ब्राउन कलर से शेडिंग कर रहा हूँ, और ज़्यादा पेंसिल अप्लाई करके आप लोगों को शेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथ से आप लोगों को करना है। और लास्ट में एकदम से जो भी डार्क वैल्यूज चाहिए और डिटेलिंग करने के लिए मैं यहाँ पर सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप लोग के पास चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप लोग ब्लैक कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, और अगर वो भी नहीं है तो आप लोग 8B या फिर 10B या फिर 12B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो।
ओके डार्क वैल्यूज भी हो गई है, और अभी डिटेलिंग में जो भी एरियाज में हाईलाइट देना है उस टाइप के एरियाज में अभी कैची से स्क्रैच करके हाईलाइट कर रहा हूँ। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस ड्राइंग की फाइनल पार्ट में, मैं संडे को ही अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।